नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज हम पूरे परिवार के साथ निकल रहे हैं अब कन्याकुमारी से आगे की सफ़र के लिए। और कहाँ जा रहे हैं अभी बस दो मिनट में आपको बताते हैं। पहले मैं इस होटल का छोटा सा रिव्यू दे दूं। जहाँ पे रिसेप्शन एरिया है वहीं से इस के साथ दिखता है सामने सन पॉइंट, मतलब सनराइज होता है, और विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले वाली वीडियो में भी शेयर की है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। छोटा सा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस होटल के साथ ही बहुत सारे होटल हैं, सस्ते महंगे लॉज भी हैं, पीजी भी है। तो आप अगर आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो इस एरिया में आपको 500 से लेकर के 5000 तक के होटल और लॉज मिल जाएंगे, आश्रम मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था रहती है। यहाँ पर मेरी बेटी ने गजरा लगाया था, बिल्कुल ही साउथ इंडियन लग रही थी। मैंने भी लगाया था लेकिन मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। निकलते हुए जो प्रकृति के दर्शन होते हैं वो तो मैं बताती ही चलूँगी। जैसे कि ये वेव विंग्स हैं जिसको देखने के लिए शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पेशली जाते हैं, पर क्योंकि हम बाय कार जा रहे थे रोड से तो हमें रास्ते में ये वैसे ही दिख गए, तो हमें दोबारा से या इसके लिए स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर कन्याकुमारी में बहुत सारी जगह तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ मेन जगह है, जैसे कि रॉक मेमोरियल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, एक लेखक की स्टेचू है, और बाकी लाइब्रेरी है, और भी एक दो चीज़ें हैं। बस इसके अलावा आप अच्छे से घूम सकते हैं। जैसे जैसे रामेश्वरम आ रहा था यहाँ पर हमें नमक की खेती देखने को मिली, और हमने जब पूछा कि क्या ये समुद्र का पानी है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये समुद्र का पानी नहीं है, ये नॉर्मल कोई तो वाटर बोला उससे ही ये नमक बनते हैं। और बहुत ज़्यादा नमक की खेती मैंने यहाँ पर देखी, बाकी यहाँ पर खेती के लिए मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ सूखा था और नमक की खेती थी जो कि बहुत दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रही थी। और ये मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला मेरे लिए ये दृश्य था। रामेश्वरम आने ही वाला था, देख सकते हैं आप, 49 किलोमीटर बच चुका है, मतलब रह गया था। जैसे जैसे रामेश्वरम आने लगता है तो वो समुद्र दिखने लग जाता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। रामेश्वरम एक टापू है, तो ये मतलब धरती से कट करके एक अलग जगह पे ले जाता है, जिसको एक पुल के द्वारा जोड़ा गया है, और वो पुल बहुत ही मजबूत है लेकिन अब टूट चुका है। यहाँ पर रेल की पटरी है जो कि काफ़ी पहले जो ये ट्रेन है वो रामेश्वरम तक जाती थी, अभी भी जाती है। कहाँ से जाती है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग कन्याकुमारी तक सिर्फ ट्रेन से आए थे। आपको गूगल करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं बस आपको बता दूँ कि अब ये जो पुल शुरू हुआ है वो है पम्बन ब्रिज, और पम्बन ब्रिज काफ़ी लंबा पुल है और इसे जोड़ता है कन्याकुमारी से रामेश्वरम के लिए। बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है दोनों तरफ, और मैंने पहले भी बताया एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। बहुत ही साफ पानी है, आपको नीचे की तरफ दिखेगा कल कल बहता हुआ समुद्र का पानी, और ये पवित्र स्थल भी माना जाता है। जो पहले के पुल थे वो थोड़े टूट गए थे, तो यहाँ पर अलग से एक पुल बनाया जा रहा है, और जो मतलब कार या बस के लिए वो अलग से यहाँ पे बनी हुई है। तो इस तरफ है बे ऑफ बंगाल और दूसरी साइड अरेबियन सी। इतनी सारी छोटी छोटी नावें हैं, पम्बन ब्रिज पे खड़ी हूँ, पम्बन ब्रिज पे,
उस तरफ है अरेबियन सी, पता नहीं इस तरफ है अरेबियन सी या उस तरफ है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और एक तरफ अरेबियन सी, और उस बीच में ये पुल है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये शायद पुराना पुल है जिस पर लोग अब आना जाना बंद कर चुके हैं, ये मतलब बंद है। और उस तरफ इतना सुंदर लग रहा है, छोटी छोटी नावें हैं हर जगह, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इस पुल पर मैं खड़ी हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो बस धूप बहुत ज़्यादा है, चलिए चलते हैं। और शायद इस पर फाइन, ये एक्चुअली फाइन वाला एरिया है, तो चले उस तरफ। एक्चुअली रामेश्वरम है, हम लोग इस तरफ से आए हैं, तो अब हम रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं। मिलती हूँ। उसके बाद जब हम लोग पहुँच गए, तकरीबन 6 घंटे का रास्ता था, और शाम को जब हमें टाइम मिला तो हम मंदिर को देखने के लिए गए। और हमें ऐसा लगा कि पहले एक बार मंदिर को देख लेते हैं और किस तरीके से हमें घूमना है, क्योंकि हम 3 दिन का अपना वो लेकर के आए थे प्लान। और जब भी आप आएँ तो आराम से आएँ। तो यहाँ पर मंदिर देखने के बाद हम यहाँ पर आ गए अग्निकुंड, और अग्निकुंड में हमें स्नान करना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि घाट बने हुए हैं, और ऐसा बोला जाता है कि जब रावण को राम जी ने वध किया था तो वो अपना पाप धोने के लिए इस जगह पर स्नान किए थे। और सीता जी को पहले बोला गया था, लेकिन जब अग्नि जी को लगा कि ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, तो उन्होंने यहाँ पर खुद को पहले अपने पाप धोए, फिर राम जी ने अपने पाप धोए, ऐसी मान्यता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग यहाँ पे पूजा पाठ नृत्य सारी चीज़ें कर रहे थे, बहुत अच्छा माहौल था। और ये जो समुद्र है, यहाँ पर लोग नहाते हैं, अग्निकुंड इसका नाम है। मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ पे स्नान करना ज़रूरी होता है, और ये मतलब ये यहाँ का रूल ही है, यहाँ पर आपको इसी तरीके से आपको करना है। पहले अग्निकुंड में आपको स्नान करना है, फिर आपको 20 कुंडों का स्नान करना है, तब जा कर के आप मेन जो मंदिर है, जो रामा स्वामी है, रामनाथ स्वामी है, उनका दर्शन आपको होगा। ये ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, और मतलब राम जी का मंदिर है तो रामनाथ स्वामी जी बोलते हैं इनको, तो यहाँ पर उनका मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली, क्योंकि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हमारा पहला दिन है। कल हम पहुंच गए थे यहाँ पर रामेश्वरम में, और ये दूसरा दिन है। अब हम लोग जा रहे हैं आज पूरे दिन घूमने के लिए। कुछ 12-15 जगह है जहाँ पे हमें देखना है कि क्या है। पहले सबसे पहले धनुषकोडी जा रहे हैं, जो रामेश्वरम का सबसे मुझे लगता है बेस्ट मेन स्पॉट है, मेन स्पॉट है। और उसके बाद देखेंगे छोटी छोटी जगह शायद से हैं, कुछ पता नहीं है, जैसे जैसे घुमा देंगे। तो एक ऑटो किया हमने, वो ये मुझे सारे मतलब हम लोगों को सारी जगह घुमा के ले आएगा यहाँ पे जहाँ पे हम रुके हैं। और उसके बाद देखते हैं, शाम को हम लोग जाएंगे तीर्थ स्नान करने के लिए, और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ की छोटी छोटी क्लिप्स तो ज़रूर लूँगी। मेरा माइक ख़राब हो गया तो मैं शायद बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन ऐसे वीडियो लेके फिर बाद में वॉइस ओवर करके डालूँगी। और आज मैंने पहनी है साड़ी, रामेश्वरम एक तीर्थ स्थान है तो मैंने सोचा थोड़ा सा तीर्थ का लुक देती हूँ, क्योंकि यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम रामेश्वरम जाएंगे, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है, 4 धामों में से एक धाम यहाँ पे है, तो उस जगह को थोड़ा सा अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से प्रेजेंट करना है, तो मैंने पहनी है साड़ी। और साड़ी कैसी है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस साड़ी को बहुत पसंद करती हूँ। चलिए मेरे साथ। तो चलिए अब रामेश्वरम का सफ़र शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक ऑटो किया, ऑटो बहुत बढ़िया मिल जाते हैं यहाँ पे, रेट थोड़ा हाई रहता है लेकिन मिल जाते हैं। तो 10-12 जगह घुमाने की बात करके आपको 1000-1200 रुपये लेंगे वो। अगर फैमिली थोड़ी मेंबर ज़्यादा है तो 1200 भी ले लेते हैं। हम लोग सिर्फ 3 लोग थे तो हमें 1000 रुपये लिए।
और उसके बाद राम सेतु, धनुषकोडी एक ही जगह है, तो वहाँ पे जाने के लिए हम लोग चल पड़े। दोनों तरफ समुद्र दिख रहा था और ये देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच गए हैं विभीषण मंदिर, रावण के भाई थे उनका ये मंदिर है। और यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, सामने समुद्र है। बढ़िया से दर्शन हो गए। ये सब नाग सांप का बना हुआ है। यहाँ लोग मन्नत मांगने के लिए चूड़ी कपड़े ऐसी चीज़ें टांग के रखी हुई हैं। पीपल का पेड़ है ये। कितने सुंदर सुंदर पत्थर हैं। उसके बाद हम लोग चल पड़े धनुषकोडी या राम सेतु देखने के लिए। तो ये जो राम सेतु है ना, उसके देखने के लिए आपको पहले तो इस चीज़ को एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सीन है। एक तरफ वे ऑफ बंगाल और एक तरफ अरेबियन सी, दोनों ही तरफ समुद्र अपनी लहरें मार रहा होता है और ये बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी रेतीला एरिया है, मतलब मोटे मोटे बालू हैं, और जैसे जैसे राम सेतु नज़दीक आता है तो दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि हम बहुत ही अलग चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लोग बीचेज हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ पर लोग नहाते भी हैं। यहाँ पे भी मान्यता है कि अगर आप नहाते हैं तो पूर्वजों को आप अपना मतलब वो तर्पण दे सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग वीडियो रील ऐसी चीज़ें भी बनाने के लिए उतरते हैं। समुद्र काफ़ी गहरा है। और ये देखिए, ये आ गया हमारा राम सेतु का जो एक स्टॉप है। इसके बाद हमारा इंडिया ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सिर्फ आपको समुद्र में बोला जाता है कि राम सेतु जो है सो इसी के अंदर रास्ता बना हुआ है राम सेतु का, लेकिन आप नज़रों से इसे नहीं देख सकते क्योंकि ये दिखता नहीं है। सिर्फ आपको एक दूरबीन के सहारे यहाँ पे दिखाया जाता है, जिसे एंजॉय किया मेरी बेटी ने, लेकिन मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हम लोगों को थोड़ी धूप लग गई, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब 11-12 बजे वाले टाइम पे चले गए थे। अशोक स्तंभ है यहाँ पर, यहाँ का खास स्टेशन है। और थोड़ी जल्दी आ गए, धूप बहुत ज़्यादा है तो बस देख लिया, अच्छा लग रहा है। और है ही ये हमारे इंडिया का सबसे लास्ट है जगह जहाँ पे हम खड़े हैं। ऊपर अशोका स्तंभ है, क्योंकि ये हमारे देश का वो है ना चिन्ह है, उसके नीचे हम लोग खड़े हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, देखने के लिए देख सकते हैं खुला खुला है। और अभी हम लोग ने टेलीस्कोप पे वहाँ से उन लोगों ने हमें वो दिखाया है कि जो भी लास्ट पॉइंट है यहाँ से, फिर राम सेतु का कैसे वहाँ पे रास्ता है, बीच में जो एक्चुअली उनका पुल मतलब जो भी था उनका पुल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो रास्ता था राम सेतु पुल, वो सुनामी की वजह से डूब गया। तो वो उन्होंने हमें दिखाया, नहीं रहा है वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो पानी के अंदर जा चुका है। और दूसरा फिर उन्होंने वहाँ से दिखाया कि श्रीलंका का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, तो वो सब कुछ टेलीस्कोप में वो दिखा दिया, तीनों लैंड्स दिखा दिए। और आज क्योंकि संडे है तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इंजॉय कर लिया, अच्छा लगा। अभी थोड़ी देर हम लोग बीच पे जाएंगे और उस तरफ पानी, ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पे उसके उस तरफ जाएंगे। सो चलें फिर बीच पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं। वैसे तो हमने कन्याकुमारी में भी अच्छा बीच का इंजॉय किया, पर यहाँ का भी एक यहाँ का रश में दिखाती हूँ, रुको।
यहाँ पर संगम है, देखते हैं मैं भी जाऊँगी इसके अंदर। अभी ये लोग गए और यहाँ पे नहा भी सकते हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं। ठीक पानी है बहुत ज़्यादा, तो हवा का दबाव नहीं है इसलिए ठीक ठीक है। तो यहाँ पे नहा भी सकते हैं और नहीं भी नहा सकते हैं। तो हम लोग तो नहा नहीं रहे हैं, बस ऐसे पैर धुआएंगे इसके अंदर। बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, क्योंकि इस जगह पे दोबारा आना तो शायद फिर आगे हो पाए नहीं हो पाए। तो इस समुद्र के किनारे एक तो फ़ोटो और वीडियोज़ बनती ही थी, तो हम माँ बेटी ने अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली। और श्रीलंका सामने ही है, पर वहाँ आप जा नहीं सकते, बस यहाँ से आप सोच सकते हैं कि आगे 24 किलोमीटर दूर श्रीलंका है। तो काफ़ी देर तक हम यहाँ खड़े रहे। तो ये है पुराना छोटा सा शहर था पहले, जब सुनामी आई थी तो ये सारा कुछ ख़त्म हो गया था। ये रेलवे स्टेशन है और ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वैसे तो ऊपर से पुल जाता होगा और यहाँ पर राम जी की पादुका भी है। ये पुराना घर सब था पहले का, जो अब कुछ है नहीं वैसे, बस टूटे फूटे कुछ चीज़ें पड़ी हैं। तो ये जगह है धनुषकोडी। यहाँ पर 1964 में एक सुनामी आया थी, जिसकी वजह से एक छोटा सा शहर था जो कि पूरी तरह से तबाह हो गया। रेलवे स्टेशन थे, भगवान के मंदिर थे। ये जो आप देख रहे हैं वो असली में जो भगवान के मंदिर है ना, जैसे राम जी समुद्र के रास्ते गए उस टाइम यहाँ पर इन्होंने शिव जी की पूजा करी थी, आराधना करी थी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी भी हैं, लेकिन हाँ जो घर बने थे या जो भी चीज़ें विकसित थी वो सब ख़त्म हो गई। यहाँ पर माता और गणेश जी साथ में आपके राम जी की जो मंदिर हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी भी हैं। तैरते हुए जो पत्थर हैं उनको भी रखा गया है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से रखा है इन लोगों ने, और काफ़ी मान्यता है इन सब चीज़ों की। तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए दर्शन किया है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे राम पादुका है जो कि देख सकते हैं, राम के पैरों का जो होता है निशान वो है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे गए, मछुआरों के घर हैं, बाकी पुरानी चीज़ों में तो ऐसा कुछ है नहीं, खंडहर हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ मछुआरों के घर हैं जो कुछ इस तरीके के बने होते हैं। दोबारा से शहर बसा था, लेकिन जो रेलवे स्टेशन की चीज़ें हैं ना वो अभी भी थोड़ी बहुत पार्ट है, बाकी पार्ट बची हुई हैं, लेकिन बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई नहीं देती। बस एक कुआं है जो कि शायद मैं आपको नहीं दिखा पाई। कुछ मछुआरे यहाँ रहते हैं, अगर आप खाना पीना चाहें तो यहाँ पर इनको बोलेंगे तो ये आपको बना के भी देंगे। और ऐसे मतलब बोल रहे थे कि अगर शाम को ना ये लोग 8 बजे से पहले इस एरिए को छोड़ देते हैं और फिर वो मेन सिटी रामेश्वरम चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारी बची खुची चीज़ें हैं। रेलवे स्टेशन का जो टावर होता है वो अभी भी है, और मंदिर है साथ में, रेलवे स्टेशन का जो पटरी का होता है ना वो भी बचा हुआ है, बाकी मैंने इतना मतलब नहीं देखा कुछ भी। यहाँ पर पुराना रेल का पटरी ना अभी भी है, ये पुराना रेल का पटरी, पुराना रेल का पटरी था। उसके बाद रामेश्वरम में कई सारे छोटे छोटे कुंड हैं, मंदिर हैं, जिसमें से ये राम कुंड है जो कि आप देख सकते हैं सामने है, बहुत सुंदर बना हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। से और मेन जो अट्रैक्शन है वो रामनाथ स्वामी मंदिर है। और सारे मंदिर वगैरह घूमने के बाद हम लोगों ने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, आप जब भी किसी गेट से घुसते हैं तो उससे पहले आपको अग्नि कुंड में नहाना ज़रूरी है, 20 कुंड में नहाना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप मेन मंदिर में जाएंगे। ये रहा हमारा नॉर्थ गेट, जिसको मेन मंदिर बोला जाता है,
यहाँ पर सुबह में लाइन लगती है फ्री वाली, और अगर स्पेशल दर्शन करना हो तो 300 वाली या 200 की लगती है। लेकिन अगर मेरी आप सुने तो आपको किसी भी चीज़ में पैसे नहीं लग सकते हैं। अगर आप बहुत सही तरीके से लाइन में जाएंगे, अंदर जाके पूरी तरह से वो खाली हो जाता है। और हम लोग अब दर्शन करके आ चुके हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, और उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अलौकिक दर्शन है। 3 बजे सुबह में एक मणि दर्शन भी होता है, जिसको आप करने के लिए सुबह 3 बजे वहाँ पहुँच जाइएगा तो आपको मणि दर्शन होंगे। और वो मणि दर्शन भी सेम शाम को भी होती है, लेकिन उसका नाम अलग है। तो बस यही सारी चीज़ें करके हम लोगों ने अब होटल के लिए निकल गए थे, और इस मंदिर को देखने से रोक नहीं पा रही थी। और 4 गेट हैं इसके, चारों गेट से आप किसी भी गेट से घुसिए, पर आपको घुसने के लिए सिर्फ नॉर्थ गेट होता है, बाकी आप किसी भी गेट से निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर के अंदर जो कॉरिडोर है ना, वो इतना बढ़िया और इतना सुंदर है कि उसको मैं बता नहीं सकती कि कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर मैंने आज साउथ इंडियन स्टाइल की थोड़ी सी साड़ी पहनी, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे जो कारीगरों ने डिजाइंस बनाए हैं दीवारों पे, दरवाज़ों पर, वो मुझे बहुत ही आकर्षित कर रहा था, क्योंकि मैं इन चीज़ों की बहुत ही मतलब थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है। मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें देखना बहुत पसंद है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको लाइन में जाना है ना, तो एक होती है नॉर्मल लाइन और एक होती है स्पेशल लाइन, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। दर्शन आपको एक साथ ही करवाया जाता है, बस बाहर से एंट्री के लिए 2 लाइनें लगी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कॉरिडोर कितना बढ़िया है, खंभों के ऊपर ना बहुत सुंदर सुंदर यहाँ के देवी देवताओं के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अभी सफाई चल रही थी जिस टाइम हम लोग चले, तो यही है कि अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको फिर खाली मिलेगा, सिर्फ बाहर में थोड़ी भीड़ होती है। तो अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है कि आपको मंदिर दर्शन करने में दिक्कत होगी, तो मेरी तरफ़ से आप ये यकीन मानिए कि आपको कोई दर्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। और हम तो इतने लकी निकले कि हमें गजराज भी दर्शन दिए अंदर जा कर के। मैं वीडियोग्राफी नहीं कर सकती थी इसलिए मैं नहीं किया। और गजराज मतलब आपको पता ही कि हाथी होते हैं इनके, उनके दर्शन अगर आपको हो जाए तो आप समझिए बहुत ही अच्छा वाला आपको मंदिर दर्शन हो चुका है। तो ये जो कॉरिडोर है ना, वो ऐसा माना जाता है कि सबसे लंबा कॉरिडोर है हमारे देश का। और ये मंदिर देखने में कुछ ऐसा है, मैं आपको चारों तरफ के गेट के मतलब दिखाए, ये मेन गेट है जिसके सामने कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। और जब भी आप घुसें तो अपने मोबाइल चप्पल कपड़े सब आपको जमा करने पड़ते हैं, या आप चाहें तो आप होटल में ही खोल करके, या किसी भी जगह रहते हैं रूम में तो आप वहाँ खोल करके आ सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ की सबसे स्पेशल जगह देखी, अब्दुल कलाम जी का जो घर है वो। यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई हुई है और इस लाइब्रेरी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पहली मंजिल पर लाइब्रेरी है, दूसरी मंजिल पर भी है, और ये बहुत सुंदर से बनाया गया है। इसके साथ ही हम लोग घर को लौट चले और आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो रामनाथ स्वामी के मंदिर से आप लोगों को बाय बाय बोल रही हूँ, मिलते हैं अगली जगह पे।